एक तलवार दो मैन। मैं तुम्हारा प्यार एक और के साथ में बांटना चाहता हूँ। एक और लड़की। आज हम आप पहुंचे हैं फिल्म तेरे प्यार में पापड़ के प्रमोशनल इवेंट में, जहां पे हमारे साथ हैं फिल्म के कुछ खास कलाकार। सबसे पहले मिलते हैं हम फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर मिस्टर उन्नत जी से। उन्नत जी से सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस फिल्म का नाम तेरे प्यार में पापड़ क्यों है? अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपका और बिज़डुनिया का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और रही बात आपके सवाल की, तो उसका जवाब ये है कि इंसान की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, हसरतें होती हैं, और हर हसरत को वो पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई कोशिश करता है, कोई ना कोई पापड़ बेलता है। तो ये जो हमारी मूवी है, ये थ्रीसम्स के ऊपर है, और इसमें जो किरदार हैं उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं उसके ऊपर ये स्टोरी है, और इस वजह से इसका नाम तेरे प्यार में पापड़ पड़ा है। उन्हें जिससे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस फिल्म में आपकी क्या भूमिका है? जी, मैंने जैसे कहा कि इस फिल्म में किरदार में पापड़ बेले हैं, तो जिसने सबसे ज्यादा पापड़ बेले हैं वो मैं ही। सारे किस किस के फोन उठाऊं मैं? अगला सवाल मेरा उन्हें जिससे रहेगा कि इस फिल्म में अलग क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसकी कहानी बहुत अलग है। ये पहली एक ऐसी मूवी है हिंदुस्तान में जो इतने बोल्ड सब्जेक्ट के ऊपर बनाई गई है, थ्रीसम्स के ऊपर, यानी एक लड़का और दो लड़कियां। ये लव ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैंटेसीज की बात कर रहा हूं, ख्वाहिशों की बात कर रहा हूं। ये पिक्चर हमने हंसते हंसते बनाई है और हंसाएंगे। इस फिल्म को दर्शक क्यों देखें? जी, जैसे कि मैंने कहा है आपको कि ये बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट है और हमने इसको हंसते हंसते बनाया है। हंसते हंसते ही लोग इसको देखेंगे और हंसने के लिए ही देखेंगे। डबल पट, डबल फन, थ्री शम, यानी कि एक तीर दो निशाने। तुम्हें बड़ी जल्दी है, कपड़े क्यों उतार दिए? अगर यही तुम्हारी फैंटेसी है तो आई डोंट वांट टू डाई। ये फिल्म एक बहुत बोल्ड फिल्म है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यकीन मानिए, मैं जा रहा था अपने मित्र के साथ में और हमने देखा कि एक सज्जन मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और उनके पीछे दो लड़कियां बैठी हैं, और हमारे मुंह से ये निकल गया कि ऐसी किस्मत हर एक की नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी जो कि थ्रीसम्स पे हो। तो उसी दिन हमने मन में ठान लिया कि ऐसी कोई पिक्चर बनाएं, और जब हमने ये देखा कि कोई पिक्चर ऐसी बनी ही नहीं है, तो ये पहली। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस फिल्म का अगर आप सीक्वल बनाते हैं तो उसका नाम क्या होगा? जी, इस फिल्म का नाम है तेरे प्यार में पापड़। सीक्वल होगी तो उसका नाम होगा सिक्के पापड़। हमारे दर्शक उन्नत जी से जानना चाहेंगे कि थ्री सम के बाद आप किस टॉपिक पे फिल्म बनाएंगे? मैं आपके श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि पिक्चर बोल्ड जरूर होगी, पर वो नहीं जो वो सोच रहे हैं। कि आपने देखा तेरे प्यार में पापड़ से उन्नत जी को काफी आशाएं हैं। आइए मिलते हैं इस फिल्म के दूसरे कलाकार शैजा कश्यप से, जो हाल ही में मिस दिल्ली वेस्ट 2012 भी बनी हैं। मेरा शैजा जी से पहला सवाल यह है कि आपने इस फिल्म में क्या क्या पापड़ बेले? पापड़ तो मैंने क्या पूरी टीम ने ही बेले हैं, जिसके बारे में अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन उसके लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल शैजा जी से है कि आपने इतनी बोल्ड फिल्म में काम किया तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? देखिए, फिल्म का कंसेप्ट इतना डिफरेंट था कि जब मैंने इस मूवी के बारे में सुना और मुझे ये स्टोरी सुनाई गई और मुझे बताया गया कि इसके बारे में हम ये सब करने वाले हैं और इसको इस तरह से पिक्चराइज किया जाएगा, तो मैं ना नहीं कर पाई, बिकॉज इट्स एन अमेजिंग मूवी। ऐसा कंसेप्ट इंडिया में पहली बार आया है और दर्शक इसे इतना इंजॉय करेंगे फॉर श्योर कि हम तो बिल्कुल डैम श्योर हैं कि इसकी सीरीज भी हमारे सामने है, आपके सामने जल्द ही पेश होगी। 40-45 की होगी। मौजा ही मौजा। हे भगवान, दो दो चुड़ैल घर आ गई है, तुम घर मत जाना। प्यार में पापड़।
प्लान कैंसिल। आपको इस फिल्म में मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर मैं बोलूं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्पाइसी रहा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस फिल्म के पूरे प्रोडक्शन में, पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मेरी इतनी अच्छी ट्यूरिंग हो गई थी। लाइक जब ये मूवी ख़त्म हो रही थी, लास्ट डे था, तो वी वर वेरी सैड। बहुत मज़ा आया, उन्नत जी ने बहुत मदद करी, आई मीन एवरीथिंग, द होल टीम वाज फैब। वैसे आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता चला कि आपका किरदार क्या था, तो मैं किरदार के बारे में फिर पूछना चाहूँगा। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि आपको थिएटर तक जाना चाहिए देखने के लिए, पर मेरा जो एक इसमें जो मेरा रोल है वो एक ऐसी लड़की का रोल है जो कि एक लड़के से बहुत प्यार करती है, पर उस चीज़ को पाने के लिए वो किस हद तक जा सकती है। तो मेनली ये जो चीज़ इसमें दिखाई गई है थ्रीसम के कंसेप्ट के साथ, वो बहुत अमेजिंग है, बहुत डिफरेंट है। आई एम श्योर द जो दर्शक होंगे, जो हमारी ऑडियंस होगी, उसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आपकी फिल्म का टॉपिक थ्रीसम था, तो मैं जानना चाहूँगा कि थ्रीसम के बारे में आपका पर्सनल व्यू क्या है। अगर मैं थ्रीसम के बारे में बोलूँ तो ये एक फैंटेसी है, और इंडिया में तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ फैंटेसी है तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ऐसी इच्छाएँ होती हैं, पर क्योंकि सामाजिक इतना ज़्यादा ऑब्लिगेशन है और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो फैंटेसीज़ औरत हो या आदमी हो नहीं पूरी कर पाती। ये एक फैंटेसी है जिसकी वजह से लोग जो हैं ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मूवी की तरफ और देखने आएंगे, क्योंकि एक आम आदमी अपनी इच्छाओं को उससे रिलेट कर पाएगा, उससे अपने आप को जोड़ पाएगा, और जब भी आम आदमी अपने आप को मूवी से रिलेट कर पाया है तब तक वो मूवी बहुत हिट हुई है, बहुत चली है और बहुत इम्पैक्ट लोगों के माइंड्स पर छोड़ा है लोगों ने। आइए मिलते हैं इस फिल्म के एक और कलाकार से जिसका नाम शिवांजलि है। शिवांजलि जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म में आपकी क्या भूमिका है? मैंने इस मूवी में अपने वॉइस ओवर्स दिए हैं और कुछ डायलॉग्स मैंने बोले हैं, एंड बिसाइड्स दैट मैंने इस मूवी में प्रोडक्शन कंट्रोलर भी रही हूँ। आपका इस फिल्म में एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि द टॉपिक ऑफ द मूवी वाज बेस्ड ऑन थ्री सम्स, तो लाइक द सेट पे भी बहुत फन वाइब्स थी, एंड उसको मुझे कंट्रोल करना पड़ता था। अगर आपको उस टाइप की वाइब्स देखनी है, हैव टू गो ऑन यू नो टू सिनेमा एंड वॉच। आप थ्री सम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया जिसको एक मूवी में डाला गया है, सो आई थिंक द ऑडियंस शुड गो एंड वॉच द मूवी। अब आपको मिलाते हैं इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल द्विवेदी जी से। राहुल द्विवेदी जी से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने इतने बोल्ड और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से कैसे एग्जीक्यूट किया? जी, जैसे हमारी फिल्म का टाइटल है तेरे प्यार में पापड़, यानी एक इंसान प्यार की तलाश में घूम रहा है और उसी प्यार को पाने के लिए वो पापड़ बेलता है। हालांकि मन बावरा होता है, वो चाहता है कि मुझे कई लड़कियों का प्यार मिल जाए, एक का मिलता है तो चाहता है थोड़ा और मिल जाए, तो वो कई लड़कियों के पीछे भागता है, लेकिन फाइनली उसे लगता है कि नहीं, सच्चा प्यार हमें एक ही से मिलता है, और इसी को हमें एग्जीक्यूट करना था कि एक इंसान जो प्यार की तड़प है, वो तड़प हमने दर्शाने की कोशिश की है, और नॉट इन द सीरियस वे बट इन द लाइट वे। हमने ढेर सारी कॉमेडी, फिल्म काफ़ी हिलेरियस है, बहुत जगह आपको हंसने का मौका मिलेगा और आप पेट पकड़ के हंसेंगे, और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा हमारे पैसे वसूल हो गए हैं और आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। आपकी बातों से मुझे लग रहा है आपने इस फिल्म में बहुत मज़ा किया है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस फिल्म में किस तरह से मज़ा किया है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक इंसान प्यार की तलाश में घूम रहा है, तो प्यार जो है एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली नहीं मिलती है। आप किसी भी एक लड़की के सामने जाइए, उससे सीधे आप नहीं कह सकते कि आई लव यू, तो आप कई तरह की टिकड़में भिड़ाते हैं, तो वो जो टिकड़में होती हैं वो हमेशा किसी एक्सीडेंट्स को या किसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देती है, और एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम बनती है, फिर वो प्रॉब्लम की एक सीरीज़ बन जाती है, और आप परेशानी में घूम जाते हो, और लोगों की साइकोलॉजी होती है कि दूसरे की ट्रेजेडी उनके लिए कॉमेडी बन जाती है। तो इसीलिए हमारी फिल्म कॉमेडी बन गई, और आपको हंसने को मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। डबल फन, डबल फन, थ्री शम, यानी कि एक तीर दो निशाने। तुम्हें बड़ी जल्दी है, कपड़े क्यों उतार दिए? अगर यही तुम्हारी फैंटेसी है तो आई डोंट वांट टू डाई। हे भगवान, दो दो
आइए आपको मिलाते हैं उस इंसान से जिसने इस फिल्म को एडिट किया है, आदिल खान। आदिल खान जी से मेरा पहला सवाल ये है कि आपको इस फिल्म को एडिट करते हुए कितना मजा आया? एडिट करने में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, बट कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट कैसा है। कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, उन्नत सर डायरेक्शन भी बहुत अच्छी लगी। आदिल जी आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी तक मैंने इतने आंसर सुने लेकिन मैं आपसे ऐसी चीज़ जानना चाहूँगा जो मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताई है। ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ जानने के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको मूवी देखनी पड़ेगी और आपको सारे आंसर आपको उसी टाइम मिल सकते हैं। जिस तरह इस फिल्म की टीम ने इतनी मेहनत से ये पापड़ बनाया है, हम आशा करते हैं ऑडियंस को ये लजीज पापड़ उतना ही पसंद आएगा। चेक प्लीज। Forget these single birds in hand and go for the two. BizzDuniya complete online B2B directory hai, jisse aap kisi bhi manufacturer, supplier ya exporter ko search kar sakte hain. Aaj hi BizzDuniya ke saath mein judhein aur apne business ko aage badhayein.